नमस्कार, मैं पूजा मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज़। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने सदर बाजार स्थित शराब के ठेकों पर धरना प्रदर्शन किया। धरने की सूचना मिलते ही मौके पर सिविल लाइन पुलिस पहुंची और उन्होंने हिंदू संगठन के नेताओं को समझा बुझा कर धरना समाप्त कराया, जिसमें योगेंद्र वर्मा ने कहा कि यह शराब का ठेका यहाँ पर अवैध रूप से बनाया गया है, क्योंकि चंद कदम की दूरी पर ही श्री बालाजी धाम मंदिर एवं दूसरी ओर मंदिर है। साथ ही कुछ ही दूरी पर मस्जिद और पीर की मज़ार भी है, इसलिए यह ठेका यहाँ से हटाया जाए और अगर यह ठेका नहीं हटेगा तो हिंदू संगठन यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा अखिल भारतीय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा ने, सुनिए। आज अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा इस शराब के ठेके को हटवाने के लिए प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि इस ठेके के सामने अस्पताल है, चंद कदमों पर ही 10 कदम पर शिव मंदिर है और उसके बैक में हनुमान जी का मंदिर है, तो ये हिंदू धर्म का अपमान है। आबकारी विभाग द्वारा इसको अनुमति देकर हिंदुत्व का अपमान किया है, हिंदू धर्म का अपमान किया है, जिसे हिंदू महासभा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आज विकल्प जैन द्वारा हमें आश्वस्त किया गया कि ये ठेका 3 दिन में यहाँ से हटा दिया जाएगा। यदि 3 दिन में ठेका नहीं हटा तो 4th दिन हिंदू महासभा कार्यकर्ता फिर से वहीं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे पब्लिक एशिया न्यूज़ के साथ।